हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यूज शहरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो चलिए, हाँ, शुरू करती हूँ। महादेव का नाम लेकर, माँ काली का नाम लेकर, राधे कृष्ण का नाम जप कर और हर हर महादेव का नाम लेकर चलिए शुरुआत करते हैं आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो चलिए, रिलैक्स हो जाइए और इंटेंशन सही रखें। कलेक्टिव रीडिंग है और सारे साइन के लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग, इंटेंशन सही, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन के लिए होते हैं और एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट होती है उतना रखना है और बाकी को जाने देना है। रिलैक्स रिलैक्स। जस्ट प्लीज गाइड करें आर्क एंजल माइकल, ऑल आर्क एंजल्स, दिव्य शक्ति, स्टैंडर्ड मास्टर, गार्डियन एंजल, स्प्रिट गाइड, स्टैंडर्ड मास्टर, दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बहुत कार्ड गिर रहे हैं, कार्ड कह रहे हैं मुझे ले लो, मुझे ले लो। थैंक यू एंजल्स, स्टैंडर्ड मास्टर, अर्थ मदर, फेरी मदर, मदर गाया, थैंक यू। ब्रह्मांड की शक्ति, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू। जय महादेव, हर हर महादेव, जय कृष्ण गोविंद, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आज दोपहर की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की, एंजल्स प्लीज गाइड करें। आवाज आ रही है, इन्हें इग्नोर कीजिएगा। दोपहर की एनर्जी कॉम्प्रोमाइज। अरे भाई, इतनी तेज आवाज आती है ना। किसी की यहाँ हेल्थ इशू हो रही है, आप या आपके पर्सन की, ठीक है, थोड़ा हेल्थ इशू दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है या इनकी हेल्थ इशू चल रही है, तो ये डॉक्टर से सलाह रहे हैं, किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं। थोड़ी सावधानी से अपने रिलेशनशिप को, अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, और इनकी हीलिंग भी चल रही है। तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके हेल्थ इशू भी चल रही है, या फिर व्यूअर्स कुछ आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा हो, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी है, स्ट्रांग हीलिंग की एनर्जी है। टेम्परेंस है कि किसी की हेल्थ इशू चल रही है ना, तो हीलिंग चल रही है। टेन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ कप्स, जिस इंसान के पास सब कुछ हो, ऐसा नहीं है सबके पार्टनर फाइनेंशली बहुत ज़्यादा
कमज़ोर हैं, वीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर के लाइफ में अच्छी खासी लाइफ हो सकती है, अच्छा अबंडेंस हो सकता है, लेकिन हेल्थ इशू, टेंशन, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, फैमिली इशू, फैमिली ड्रामा, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं है, वो पल को जी ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जिस दिन अपने ये पर्सन ईगो और गुस्सा पे काबू कर लेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। अवेयरनेस की एनर्जी एंजल्स प्लीज गाइड करने। अवेयरनेस क्यों आई एंजल्स प्लीज गाइड करें। अवेयरनेस क्यों आई एंजल्स प्लीज गाइड करें। प्लीज क्लियर करें। अवेयरनेस टेन ऑफ कप्स सिक्स ऑफ वंड्स क्यों आई एंजल्स प्लीज वन कार्ड प्लीज एंजल्स प्लीज गाइड करें। अच्छा अच्छा अवेयरनेस व्हाट एम द डिक्सी द मून। तो यहाँ पे कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो की एनर्जी है। ठीक है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी एरिस लियो एंड सैजिटेरियस वांड्स सोर्स पेंटिकल्स कप्स, सारे साइन यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए डियर, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आप हस्बैंड वाइफ भी यहाँ पे दिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप हस्बैंड वाइफ हो, जहां आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस नहीं चल रहा। ठीक है, और आपकी फैमिली हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लीगल इशू हो सकता है। ठीक है, कुछ लीगल इशू से रिलेटेड बात हो रही है या फिर कुछ डिसीजन लेने की बात हो रही है। तो यहाँ पे व्यूअर्स बहुत सावधानी से अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ आपके पार्टनर बैलेंस तो चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो अगर लीगल इशू भी चल रहा है या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आ गए हैं, जहाँ कहीं ना कहीं सेपरेशन भी दिख रहा है, रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, या इनका गुस्सा, या फिर इनके करियर, या फिर स्टेबिलिटी, या फिर इनका जिद, या फिर कोई और बात, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे आप लोग रिलेशनशिप में परेशानियां आ रही है, जहां आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी हैप्पी फैमिली हो, ठीक है, अच्छी खासी फैमिली हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में ब्लॉकेज आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, रिश्ते में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ठीक है, और अपनी डर, अपने जो अंदर का डर है और एंजाइटी है, उसे लेट गो करना है। जो अगर हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो लीगल इशू, ऑब्स्टिकल, डर, भय, पैसे को लेकर, मनी को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, या थर्ड पार्टी को लेकर, अगर आप दोनों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे याद रखिए, कुछ डिसीजन यूनिवर्स आप लोग को कहना चाहते, कुछ डिसीजन लेना होगा और अपने रिश्ते को बचाना होगा। ठीक है, तो थोड़ा अवेयर भी रहें, अवेयरनेस की एनर्जी, इसलिए कि अपने फैमिली को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, जो हस्बैंड वाइफ हो आप लोग। ठीक है, और आपको और आपके पार्टनर को सोच समझ कर डिसीजन लेना है, क्योंकि यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। अगर आपका रिश्ता में कोई थर्ड पार्टी या रिलेशनशिप को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, या आप दोनों में सेपरेशन है, उस बात को लेकर आपको तिल का तार नहीं बनाना है, राई का पहाड़ नहीं बनाना है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके रिश्ते के पीछे पड़े हुए हैं कि आपका रिश्ता टूट जाए, रिलेशनशिप खत्म हो जाए, लेकिन गॉड यूनिवर्स कहना चाहते हैं जजमेंट और अवेयरनेस, बहुत सावधान रहिए। हो सकता है किसी की बुरी नीयत आपके रिश्ते पर हो, आपकी फैमिली, आपके बच्चे पे हो, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए। और देखिए, इस रिश्ते में सक्सेस है। ठीक है, इस रिश्ते में सक्सेस है, लेकिन रिश्ते को आपको बचाना है, कॉम्प्रोमाइज करना है। ठीक है, इस वक्त बहुत सावधानी से अपने फैमिली को, अपने पार्टनर को, अपने बच्चे को, अपने को प्रोटेक्ट भी करना है, जो हस्बैंड वाइफ है। अगर कॉम्प्रोमाइज करोगे तो ये रिश्ता आने वाले टाइम में बच सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में सक्सेस दिख रहा है। तो आप हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी सावधानी से बात करें, बैलेंस करें। ठीक है, चलिए, तो अब मैं देखती हूँ ये आपके पार्टनर की एनर्जी। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर यहाँ पे एकदम 100% दिख रहा है कि इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। देखिए, वो जिंदगी से थक गए हैं, निगेटिविटी से थक गए हैं, भाग भाग कर थक गए हैं, अपने ईगो से थक गए हैं, अपने नेचर से थक गए हैं।
लेकिन इस पर्सन में इस तरह का ईगो है, ऐसा जिद है कि अपने एनर्जी को, अपने निगेटिव थॉट्स को वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये पर्सन ऐसा नहीं है कि बहुत हैप्पी दिखाई दें, कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं इस रिश्ते में। हो सकता है सिचुएशन सही ना हो, सफरिंग पीरियड से गुजर रहे हैं और आपको पता भी हो और कुछ आपको पता भी ना हो। ठीक है, तो देखिए आप भी यहाँ बहुत सोच रहे हो व्यूअर जी। ठीक है, चाहे आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, वीडो हो, सिंगल हो, डिवोर्सी हो, जो भी हो, यहाँ पे आप भी थका हुआ महसूस कर रहे हो इस रिश्ते से। ठीक है, थोड़ी सी बातचीत होती है, ब्रेकअप हो जाता है, कभी आप सफरिंग से गुजरते हो, वो भी सफरिंग से गुजरते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ भी वर्ष आप थक गए हो। ठीक है, आप थक गए हो भाग भाग कर, इस रिश्ते का इंतजार कर कर, हैप्पी फैमिली के बारे में सोचते हो, फ्यूचर के बारे में सोचते हो और कोई डिसीजन नहीं हो पाता। ठीक है, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी आप लोग के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के खिलाफ हैं, इस रिश्ते के खिलाफ हैं। ठीक है, कोई डेविल भी है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कुछ भी वर्ष आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो। ठीक है, या अपनी हीलिंग करवा रहे हो या अपने हील कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वो फीलिंग्स आपके अंदर नहीं आ रही, क्योंकि हीलिंग की बात की जाए तो सबसे बड़ी हीलिंग आपके अंदर खुद की है, जहां आपको बदलने की जरूरत है। शायद आप अपने स्ट्रेंथ को नहीं देख पा रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आप किसी से गाइडेंस लेकर खुद की हीलिंग करवा रहे हो तो ये चीज भी आपको पूरी तरह हील नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी हीलिंग कहाँ होती है, आपके अंदर होती है, जहां आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी हो सकती है, आप अपने स्ट्रेंथ को नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे अपने आप को हील करना है तो आप स्ट्रेस को कम करना है तो आप अपनी हीलिंग खुद कर सकते हो, मेडिटेशन के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू। ठीक है, आपके मन में भी बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं थक चुका हूं या मैं थक चुकी हूं, मुझे इस रिश्ते पे भरोसा और विश्वास नहीं है। ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है आपके अंदर? क्योंकि आपकी हीलिंग पूरी तरह नहीं है। आपके आसपास या कुछ लोगों की निगेटिव एनर्जी आपकी तरफ है, या फिर आपके अंदर वो निगेटिव थॉट्स है, या फिर रिश्ते में या आपके रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेज है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, अपने आप को हील करने के लिए आप नेचर से कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, मेडिटेशन करें, सेल्फ लव, योगा एक्सरसाइज करें। जो व्यूअर्स थक चुके हो, आपको एंजाइटी होती है, रिश्ते में कुछ भी नहीं हो पा रहा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, फ्यूचर क्या होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया, सब कुछ बेहतर था, फिर भी आज मेरे साथ इस रिलेशनशिप में ऐसा क्यों, क्यों मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मैंने तो रिश्ते में 100% दिया। तो व्यूअर्स आपकी एनर्जी है कि आपने तो 100% दिया, फिर भी आप इग्नोर किए जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात टेम्परेंस और हीलिंग, या फिर आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यू चल रही है, या फिर स्ट्रेस वो काफी ले रहे हैं और गुस्सा ईगो इनका कम नहीं रहा, लेकिन गाइडेंस जो मिल रही है, या ये गाइडेंस ले रहे हैं, या आप गाइडेंस ले रहे हो, या फिर आपको गाइडेंस फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए बाबू, यहाँ पे आपके पार्टनर स्ट्रेस में तो हैं, हो सकता है कि और ये मेहनत करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं और आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, बट सिचुएशन आकर कुछ ऐसे खड़ी हो जाते हैं जहां ये पर्सन जो भी है दिमाग से काम नहीं कर पाते हैं, मतलब ये थक जाते हैं, इन्हें हेडेक होने लगता है। ठीक है, हो सकता है इनके लाइफ में, इनकी फैमिली में या इनके आसपास कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जहां वो सिर्फ इनको पुश करते हैं, नेगेटिव थॉट्स डालते हैं और उनको कहीं ना कहीं कोई ऐसे बातें कहकर उनको, जैसे होता है ना, पिन करना, पिच करना, गुस्सा दिलाना, आपके खिलाफ साजिश करना, और ये पर्सन के हालात कहां हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं, सारा कुछ आपके साथ ही देखते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन मन का डर, ये डर कुछ व्यूअर्स आप में भी है, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर में भी है। डर की एनर्जी पे यहां है, स्ट्रेस की एनर्जी है, थकावट की एनर्जी है, लेकिन क्यों ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए जो भी हो, आपके पार्टनर यहां जैसे भी हैं,
इनकी एनर्जी में अभी भी बहुत अच्छी एनर्जी मुझे नहीं दिख पा रही है। काफी लोग की रीयूनियन हुई भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल तो आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स आपके पार्टनर स्ट्रेस और कहीं ना कहीं उनकी बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ इनकी हेल्थ इशू थोड़ा चल रही है, चाहे वो स्ट्रेस हो या डिप्रेशन हो या पास्ट को लेकर ये ज्यादा सोच रहे हो। कभी कभी उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इग्नोर हो रहा हूं। कुछ व्यूअर्स आप सोच रहे हो कि ऐसे कब तक चलेगा, शायद आपको वो इग्नोर कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी दिख रही है, देखिए मिसिंग एनर्जी भी है, इमोशंस भी है और परेशानी भी है, लेकिन हार कर देखिए इस पर्सन को डिसीजन लेना ही है, क्योंकि इस रिश्ते में हर हाल में सक्सेस चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रिश्ता उनके लिए बहुत खास और इम्पोर्टेंट है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और आपके साथ ये पर्सन थोड़ा सा फन करना चाहते हैं, थोड़ा इंजॉय करना चाहते हैं, होता ना इनको थोड़ा फ्रीडम मिलता है आपके साथ। एक टाइम था कि आप उन्हें फ्रीडम दीजिए, ठीक है, और एक टाइम है कि आपके साथ उन्हें फ्रीडम मिलती है, उड़ान भरते हैं और आपके साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं बहुत डीप थिंकिंग चल रही है, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है, इमोशंस भी दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये अपने जिद से, ये अपने परेशानी से किसी चीज को ये समझ नहीं पा रहे, ये अपने अंदर ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप उनके लिए खास है। देखिए मन में बहुत तरह की बातें चल रही है, आप लोग में एज गैप हो सकता है, और ये पर्सन देखो एज गैप हो या ना हो, लेकिन ये पर्सन स्मार्ट बहुत है। अगर इन्होंने आपसे वादा किया, ये टाइम ले रहे हैं, ये वक्त ले रहे हैं, चाहे इनका करियर का कोई बात हो रही है, देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये किसी गोल्स किसी पर्पस के तरफ ज्यादा फोकस है, ठीक है। और आप लोग में एज गैप तो है, लेकिन ये पर्सन को देखो कि इसके हाथ पे पेंटिकल्स है, इस वक्त इसको इस पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ गोल्स है और उस पर भी फोकस है, जो इनका काम नहीं बन रहा। तो देखा जाए बाबू तो हर तरह से इनके लाइफ में परेशानियां हैं, गुस्सा है, आसपास के लोग सही नहीं है, बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन ये पर्सन हार मानने में, हार जो माना जाता है, हार मानने वाला ये पर्सन नहीं है, जो भी है मेल हो फीमेल हो, हार मानने वाला ये पर्सन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये हार नहीं माने, टाइम लगेगा लेकिन ये अपना वादा जरूर निभाएंगे, ये आप में काफी इंटरेस्टेड है, इसलिए तो ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, सेपरेशन एंड करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है व्यूअर्स कि इस रिश्ते से भी कुछ लोग हैं जो इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से जेलसी फील करते हैं। कुछ लोग के लिए तीन लोग भी हो सकते हैं, किसी के लिए उनकी फैमिली हो सकती है या थर्ड पार्टी हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं या कोई और लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो जेलसी फील करते हैं आपके खिलाफ, उनके कानों में बात डालते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग हैं ऐसे इस रिश्ते को देखकर कि इन दोनों में इतना प्यार कैसे है, मतलब चाहे आप लोग में कितना भी प्रॉब्लम्स हो जाए, बट कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते हो, और इस वक्त आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा चल भी नहीं रहा, इमोशंस भी है बट फिर भी एक बैलेंस नहीं चल रहा। ये आपके साथ चलना चाहते हैं और देखिए इस रिश्ते में ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हो इस पर्सन को एंजाइटी हो रही है। तो आपके साथ कुछ वक्त भी गुजारना चाहते हैं, ठीक है। हिम्मत को जुटा रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं कि किसी तरह आपको खुलकर एक्सप्रेस कर पाए, रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं ये, और इस अकेलेपन में उन्हें आपकी जरूरत है, बिल्कुल है। फीलिंग्स स्ट्रांग है बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कॉम्प्रोमाइज, तो कहीं ना कहीं रिश्ते में इस वक्त कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इस वजह से ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, सेपरेशन एंड करना चाहते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आपको ऑफर करना चाहते हैं
आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, या आप दोनों एक साथ काम करते हो तो आपके तरफ वो बढ़कर ऑफर भी करना चाहते हैं। और सेंथ की एनर्जी ये हिम्मत जुटा रहे हैं कि सामने से आकर वो रिश्ते में बैलेंस करें, प्यार ऑफर करें। ये पर्सन सोसाइटी समाज के लिए भी अच्छा सोचते हैं, दिल के साफ हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, गॉड को मानते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, जानते भी हैं, और आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कहीं दूर आपके साथ निकलना चाहते हैं। अगर आप दोनों एक साथ कुछ काम भी करते हो, यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके तरफ एक बैलेंस चाहते हैं और आपको ऑफर भी करना चाहते हैं। तो इस पर्सन के मन में जो एनर्जी है वो दिल का साफ है, ठीक है। ये कुछ ना कुछ बेहतर काम करते हैं जो कि सोसाइटी समाज से रिलेटेड है, ठीक है, और ये दिल का साफ है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जहां ईगो की वजह से बहुत कुछ खत्म भी होता है और गुस्से की वजह से रिश्ते भी खराब होते हैं। तो थोड़ा सा इस पर्सन को कह सकती हूँ कि ईगोइस्टिक हो सकता है, लेकिन आज ये एंजाइटी में है। हो सकता है आप दोनों काम साथ में करते हो और इस वक्त आप दोनों साथ में ना भी हो, और ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, एक बैलेंस चाह रहे हैं। देखिए, स्ट्रेंथ इकट्ठा करें, हिम्मत जुटा रहे हैं, ठीक है। उनको पता है कि हिम्मत जुटाकर आपकी तरफ बढ़ना होगा, प्रपोज करना होगा, तो इस तरह की एनर्जी है। तो बहुत सारे व्यूवर्स जी, आपके पार्टनर बैलेंस चाह रहे हैं रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ की एनर्जी में कुछ डिसीजन भी लेना चाहते हैं, सब एनर्जी देखा जाए तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, उनकी हीलिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है, ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन अपने रिश्ते को यहां बचाना है। व्यूवर्स जी, अवेयरनेस की एनर्जी, रिश्ते को आपको बचाना है, किसी की बात में आकर अपने रिश्ते को खराब नहीं करना है। एक बार आपके रिश्ते में ब्लॉकेज आ गए तो फिर बहुत सारे ऑब्स्टिकल आएंगे, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज मैनेज, अगर आप जानते हो कि उनकी सोच ऐसी है और वो नहीं बदलेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको खुद को बदलना है, तब जाके रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, तब डिसीजन होगा। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में देख लीजिए कि ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, इस रिश्ते में वो सक्सेस चाहते हैं, और ये सक्सेस की एनर्जी है। किसी और के बात में आकर, चाहे वो फ्रेंड हो, कोई भी हो, आप अपने रिलेशनशिप को खराब ना करें। इस वक्त बहुत व्यूअर्स आपके पार्टनर थक चुके हैं और ये किसी से गाइडेंस लेते हुए नजर आ रहे हैं, या कुछ व्यूअर्स आप किसी से गाइडेंस लेते हुए नजर आ रहे हो। हो सकता है कि आपको इस रिश्ते पर विश्वास हट गया है, आप थक चुके हो, अब इंतजार नहीं कर पा रहे हो, रात भर सो नहीं पा रहे हो, मेहनत आपने काफी किया है इस रिश्ते के लिए, आपने बहुत कुछ दिया है। तो कुछ व्यूअर्स आपने माइंड सेट किया है कि अब कुछ नहीं होना जाना, यहाँ पे आपकी विश्वास की कमी हो रही है, आप मूव ऑन करना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आपके अंदर कि अब मैं वेट नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी उनके दिल और दिमाग से ना आप निकल पा रहे हो, ना आप उनको छोड़ पा रहे हो, गिव अप दोनों ही नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे अवेयरनेस की एनर्जी, रिलेशनशिप जैसा भी हो, डिसीजन तो होगा, आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगा, लेकिन अपने रिलेशनशिप को बचाना है, किसी और के बातों में नहीं आना है। वैसे आपके पार्टनर को ऐसे भी भड़काया ही जा रहा है आपके खिलाफ, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, और ये होगा तो थोड़ा सा अपने सोल माइंड बॉडी को थोड़ा सा बैलेंस करें, अपनी हीलिंग खुद से करें, गाइडेंस को फॉलो करें, नेचर से कनेक्ट होएं, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, ठीक है, पानी से कनेक्ट हो जाएं। पानी, अगर यहाँ वाटर की एनर्जी बहुत आ रही है तो कुछ वर्ष आप नेचर से कनेक्ट हो सकते हो, या अपने आप को नेचर से, पानी से कनेक्ट करके देखो, हीलिंग वहां भी मिलती है, ठीक है। तो अपने आप को बदलिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, आप लोग को नेचर से कनेक्ट होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ वर्ष आप सच में अंदर से थके हुए हो, कुछ वर्ष आप सफरिंग से गुजर रहे हो, इस रिश्ते का होप नहीं देख पा रहे हो, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हो और आप थक चुके हो, कुछ वर्ष आप थक चुके हो और आपको गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि रिश्ते और रिलेशनशिप को बहुत लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बैलेंस आपको करना है,
बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है सेपरेशन है, ब्रेकअप से गुजर रहे हो, आपको कहा ना अंदर से एक चिड़चिड़ापन एक गुस्सा भी हो सकता है। तो कुछ वर्ड जिनकी एनर्जी इस तरह की है तो अपने स्ट्रेंथ को देखें, बैलेंस करें, रिश्ते को बचाएं। बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का परमानेंट मिलन हो, लेकिन रिश्ते में आज नहीं तो कल सक्सेस है बाबू, ठीक है। और डेविल तो बहुत सारे लोग हैं भाई आपके आसपास या उनके या आपके आसपास कुछ लोग तो हैं जिनकी बुरी नजर है आप लोगों पे, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर की एनर्जी देखिए, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, रिश्ते को बचाना चाहते हैं, लेकिन कुछ निगेटिविटी के वजह से, स्ट्रेस के वजह से रिश्ते में बार बार प्रॉब्लम्स भी आते हैं। देखिए आपके पर्सन स्पाइक कर रहे हैं, आप पे नजर होती है, कितना प्रेशर बर्डन महसूस कर रहे हैं, और आपके लिए देखिए कैसी एनर्जी है, आपको पूरी तरह पाना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर की जो एनर्जी है आप देख सकते हो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपको पाना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर का स्टेप आपकी तरफ बढ़ चुका है, ठीक है। बहुत व्यूअर्स आपके पार्टनर का आपके तरफ स्टेप बढ़ चुका है, सक्सेस दिख रहा है, मिलने भी आना चाह रहे हैं, और लेकिन इस वक्त जो प्रेशर है बर्डन है उनको ये कम भी करना चाहते हैं। हीलिंग हो रही है और कुछ व्यूअर्स आप अपने आप को हील जरूर करें, ठीक है। ये गाइडेंस है, बैलेंस कीजिए, अपने रिश्ते को बचाइए, बहुत लोग की बुरी नजर है जो आपकी खुशी से आपके रिलेशनशिप से आप दोनों में इतना प्यार है उसके वजह से ये डर जेलसी भी फील करते हैं। नेक्स्ट एक्शन एक कार्ड और देख लेती हूँ। द डेविल की एनर्जी यहाँ आपके पार्टनर को आपको लेके फीलिंग्स भी बहुत स्ट्रांग है, पैशन अट्रैक्शन ये एनर्जी दिख रही है। तो बहुत व्यूअर्स आपकी तरफ सेलिब्रेशन भी आ रहा है। नेक्स्ट एक्शन एक कार्ड वन प्लीज एंजल्स प्लीज गाइड करें। देखिए टावर, जो भी हो टावर ये आपको सीख दे रहा है या टावर की एनर्जी ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन तो जरूर हो रहा है रिश्ते में, लेकिन ये टावर कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में बैलेंस लाने को भी कह रहा है। अगर जो भी झटका लगा हो, जो भी टावर आए, किसी की सच्चाई सामने आई हो, तो ये टावर कहीं ना कहीं रिश्ते को बेहतर करने के लिए भी कह रहा है। चाहे आप दोनों कंफ्यूज हो इस रिश्ते को लेकर या बर्डन फील कर रहे हो, लेकिन इस रिश्ते में 100% सक्सेस है। लेकिन बाबू काम तो आपको करना है, ठीक है। सिक्स नंबर इंपॉर्टेंट है। देखिए सिक्स नंबर यानी बैलेंस अबंडेंस का होता है, चाहे मैरिड लाइफ में हो, रिश्ते में हो या करियर में हो। देखिए सिक्स नंबर इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, तो सक्सेस है, सक्सेस है। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। यहाँ आप सबके लिए सिक्स नंबर इंपॉर्टेंट है, सिक्स और ट्वेल्व नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है या 18, 12 एंड 6, ठीक है। तो आप उनके लिए भी हीलिंग करें, क्योंकि आपके जब ऑरा स्ट्रांग होते हैं ना, जब आपकी हीलिंग चलती है तो जैसे आपकी हीलिंग होती है तो आपके ऑरा स्ट्रांग होते हैं, जब आपके ऑरा स्ट्रांग होते हैं तो उनकी एनर्जी जो होती है वाइब्रेट होती है, उनके ऑरा भी स्ट्रांग होते हैं। मतलब आपके अंदर पावरफुल एनर्जियां काम करती है जो आपके अंदर स्ट्रेंथ देती है, सेपरेशन को एंड करती है, लाइफ में सेलिब्रेशन देती है। उसी प्रकार आप जैसे हाई वाइब्रेशन में जाते हो वो हाई वाइब्रेशन आपको पार्टनर को फील होती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिए, अपनी हीलिंग भी खुद कर सकते हो, ठीक है। मेडिटेशन, गाइडेंस, मॉर्निंग वॉक, थैंक यू, जितना आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, एंजल से कनेक्ट कीजिए। मावे पावर शक्ति जो होती है वो हमें बहुत मदद करती है कुछ डिसीजन लेने में, आगे बढ़ने में, रिश्ते को बैलेंस करने में। आप रेड तारामा का जाप कीजिए, ठीक है। रेड तारामा अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए रेड तारामा का जाप कीजिए, लेकिन दिल से कीजिए, ठीक है। इंटेंशन सही रहेगा, हर कुछ मैनिफेस्ट होगा बाबू। तो ये चीज जरूर कीजिए, रेड तारामा का सर्च कीजिए और उसके बाद अजपा जाप कीजिए, रिश्ते को बचाइए, बैलेंस कीजिए। अपने रिश्ते को आपको ही बचाना है, उनको बचाना है, क्योंकि टावर की एनर्जी है, लेकिन ये टावर रिश्ते को बेहतर करने को बोल रहा है, ठीक है। और रिश्ते में बैलेंस आ रहा है और सक्सेस भी है, कुछ डिसीजन भी होगा, बट आप लोग खुश रहें
और कंफ्यूज ना हो अपने रिश्ते में। हर इंसान, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, हर अगर जहां सच्चा प्यार होगा उस रिश्ते को तोड़ने में हजारों लोग लग जाते हैं। लेकिन जब आप अवेयर रहोगे, रिश्ते में बैलेंस होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, रिश्ते बचेंगे। तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और आपके साथ जजमेंट भी चाहते हैं, डिसीजन भी चाहते हैं, सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं। हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे, स्ट्रेस उन्हें भी हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है जी दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।